तो ये लास्ट टॉपिक है अल्फा बीटा एंड गामा डी के रेडियो एक्टिविटी के अंदर। रेडियो एक्टिविटी में एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक किया जाता है, और हमने ये लॉ में किया था कि जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे में ब्रेक होता है तो या तो अल्फा निकलता है या बीटा निकलता है या गामा निकलता है, कुछ ऐसा कुछ निकलता है। जब अल्फा निकलता है तो क्या होगा, इक्वेशन देखेंगे, बीटा में क्या होगा, गामा में क्या होगा, ये देखना है। तो जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी और बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूटेगा तो एक्चुअल में चार पांच चीजें निकल सकती हैं, मैं तो तीन ही बताई हैं। पहला, या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या फिर बीटा पार्टिकल निकलेगा। बीटा पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। तो या तो बीटा नेगेटिव निकलेगा या बीटा पॉजिटिव निकलेगा, अभी डिस्कस करेंगे, या फिर गामा निकलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा न्यूक्लियस। पांच तरीके होते हैं, पांच मेथड करेंगे। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, वो क्वेश्चन पूछने वाला को बताएगा कि किसी रेडियो एक्टिविटी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अगर पेपर में आ जाए कि अल्फा डीके हो रहा है तो बड़ा सिंपल प्रोसेस याद रखना, अल्फा डीके में एक्स ए जेड है, अल्फा डीके में एक्स वाई में कन्वर्ट होगा और अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 42, ये निकलेगा। तो पूछेगा कि ए का क्या हुआ, फिर ए माइनस 4 हो जाएगा और जेड का क्या हुआ, जेड माइनस 2 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर का क्या होगा, क्लियर है? जैसे आपको न्यूमेरिक कोई देगा, बिस्मत है 212 और 83, अल्फा पार्टिकल निकाल दिया तो नया एलिमेंट आएगा जिसका नाम तो मुझे पता नहीं होगा, तो 212 में से 4 गया 208 हो जाएगा और 83 में से 2 गया तो 81 हो जाएगा। तो ये पूछेगा नंबर के एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो पहला प्रोसेस क्लियर है, अल्फा पार्टिकल उन न्यूक्लियस के साथ होता है, उन एटम के साथ होता है जिनका एटॉमिक मास नंबर काफी हैवी होता है, 210 से ऊपर होता है, यूरेनियम जैसे के साथ होता है, ठीक। तो अब ये बताया गया है कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं और कुछ प्रोडक्ट हैं। जब फिजन होगा तो कुछ रिएक्टेंट्स हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का रिएक्शन कुछ प्रोडक्ट्स देगा। तो यह बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ अ प्रोसेस। ये क्यू वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस और नीट में और किसी भी उसमें। क्यू वैल्यू सिंपल क्या है कि मान लो जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जिन्होंने रिएक्शन किया, उनका जो मास है उनका कैलकुलेट कर लो मास, और जो प्रोडक्ट निकले उनका मास कैलकुलेट कर लो, उस मास को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव एनर्जीज निकाल लो, उसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो इनिशियली मास निकाल लिया आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, रिएक्टेंट्स का, उनकी एनर्जी निकाल ली ui, और फाइनल पार्टिकल का मास निकाल के फाइनल की एनर्जी निकाल ली uf, उनका जो डिफरेंस होगा एनर्जी का उसको क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, प्रोडक्ट्स की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि जो डिफरेंस है, कई बार क्या होता है कि जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो प्रोडक्ट्स जैसे ही न्यूक्लियस बनता है वो भागना स्टार्ट कर देता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो इट एक्वायर्स अ काइनेटिक एनर्जी। तो भाई कहाँ से आई काइनेटिक एनर्जी, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो आएगी, जैसे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, तो ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी कहां गई, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में, जिससे कि प्रोडक्ट के जो न्यूक्लियस है उसने भागना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर थोड़ी टाइम के बाद।